नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बदर्स ट्यूब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत आज विश्व में एक महाशक्ति बनके उभरा है, साथ ही भारत आज तेजी से विकास कर रहा है। भारत में आज बहुत सारे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और इन स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट को बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार भी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर काफी गंभीर है। भारत में स्मार्ट सिटीज बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। तमाम राज्यों में इस परियोजनाओं को शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज यहाँ हम आपको देश की टॉप स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धोलेरा SIR गुजरात। दोस्तों, धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद जिले में आती है, जो कि खंभाट की खाड़ी में स्थित है। ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। धोलेरा SIR का निर्माण 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। धोलेरा भविष्य के स्मार्ट सिटी है, जो कि DMIC परियोजना के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य इस स्थान को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, जहां रेल, सड़क, एक्सप्रेस हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो और बंदरगाह जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे हों। इस शहर का प्रथम चरण 2019 तक पूरा हो जाएगा और पूरी परियोजना के अंतर्गत कुल 3 मिलियन लोग को रोजगार मिलेगा। यहाँ ज़्यादातर विनिर्माण प्रसंस्करण क्षेत्र ही होंगे। इस शहर के निर्माण हो जाने के बाद ये देश का सबसे बड़ा शहरी विकास परियोजना वाली सिटी हो गई। ये शहर भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर करीब 20 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है और ये शंघाई से 6 गुना ज्यादा है। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात। दोस्तों, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को 359 हेक्टेयर 886 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ये प्रतिष्ठित शहर अहमदाबाद और गुजरात में गांधीनगर के बीच अच्छी तरह से निर्माणाधीन है। यह भारत का पहला स्मार्ट सिटी होगा और इसके निर्माण में 5 लाख प्रत्यक्ष और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। गिफ्ट को वित्तीय सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार किया गया है, जो IT के वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए एक केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। टेक फार्म, इंटरनेशनल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, शैक्षिक संस्थान और अन्य क्षेत्रों का विकास भी इस शहर में किया जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसी होगी गिफ्ट सिटी। गिफ्ट में कुल 319 ऊंची इमारतें होगी, जिन्हें हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता है, जिनमें से 11 इमारतें ऐसी होगी जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी अधिक होगी। इस शहर का क्राउन ज्वेल 400 मीटर लंबा डायमंड टावर होगा। शहर का खर्च लगभग 12 अरब डॉलर होगा। 2025 तक शहर पूरा हो जाने के बाद गुजरात के 50,000 लोगों को यहां घर मिलेगा। हमारी सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी की लिस्ट में गिफ्ट सिटी को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट माना गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। फिलहाल तो हैदराबाद ही 2 राज्यों की राजधानी है, लेकिन आशा है कि अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। अमरावती गंटूर जिले में स्थित है, जो कि कुल 54,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अमरावती के विकास के तहत इसकी सड़कें चौड़ी, फुटपाथों का निर्माण, मेट्रो, नदी के मार्ग, परिवहन के साधन और सुरुचिपूर्ण जीवन शैली का विकास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने से पहले यहाँ हर तरह का विकास कर दिया जाएगा, ताकि बाद में शहर में कोई समस्या ना हो। 2025 तक इस स्मार्ट सिटी का निर्माण हो जाएगा और यहाँ 1.5 मिलियन लोगों को व्यवसाय मिलेगा। पूंजी में यहाँ नौकरी के अवसर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अमरावती सीट कैपिटल एरिया SCA इस शहर का मूल होगा। इसके अलावा यहाँ हाउसिंग, सरकारी कार्यालय, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और करीब 3 लाख लोगों की आबादी होगी। इस शहर को विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार फोस्टर और उनके पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। अमरावती भारत के फ्यूचर स्मार्ट शहरों का सही उदाहरण बनेगा। ड्रीम सिटी डायमंड रिसर्च
और मार्केटाइल सिटी सूरत। दोस्तों, ड्रीम सिटी, डायमंड रिसर्च और मार्केटाइल सिटी एक महत्वपूर्ण भविष्य शहर है। खौजोद दक्षिण पश्चिम सूरत में 2000 एकड़ जमीन पर परियोजना का विकास किया जाएगा। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट सूरत की सूरत को ही बदल कर रख देगा और यहाँ का भौतिक और सामाजिक ढांचा बदल जाएगा। इस शहर को मॉडर्न सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा, जिसके तहत लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम और सपोर्टिव बैंक फैसिलिटी भी मिलेगा। साथ ही यहाँ इलेवेटेड मोनोरेल भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और एयर कनेक्टिविटी भी सूरत को प्रदान की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कैसी होगी डायमंड सिटी। भारत की इस स्मार्ट सिटी में 5 सितारा होटल, बैंक, आईटी, कॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग हाउस, मनोरंजन क्षेत्र होंगे। हजारों ऊंची इमारतों को भी महत्वाकांक्षी डायमंड रिसर्च और मार्केटाइल सिटी ड्रीम सिटी में बनाया जाएगा। गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी GIFT की तर्ज पर सूरत में सपना शहर परियोजना का प्रस्ताव भी पारित है। महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD होगा, जो न केवल डायमंड बाजार के लिए होगा बल्कि ऐतिहासिक इमारतों, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रदर्शनी परिसर, परीक्षण स्कूलों और निजी व साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ भी सम्मिलित होगा। कानपुर ट्रांस गंगा सिटी। दोस्तों, कानपुर ट्रांस गंगा सिटी शहर कानपुर शहर में गंगा के किनारे पर 1156 एकड़ में फैला हुआ है। स्टूडियो सिम्बायोसिस द्वारा ट्रांस गंगा मास्टर प्लान के लिए प्रस्ताव इसे एक आत्मनिर्भर टिकाऊ शहर बनाने का है, क्योंकि इसका इतिहास भी काफी उत्कृष्ट रहा है। भारत की इस स्मार्ट सिटी को मिश्रित परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, आवासीय और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस स्मार्ट सिटी में एक आवास सोसाइटी भी शामिल होगी, जिसमें प्रदर्शनी केंद्र, मल्टीप्लेक्स, मेगा मॉल और बहुआयामी आवासीय परिसर शामिल होंगे। इसके भीतर के सभी उद्योग प्रदूषण मुक्त होंगे। पृथ्वी कूलिंग, हरे रंग की छत, सौर पैनल, भूजल पुनर्भरण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रस्तावित किया गया है। उम्मीद है कि कानपुर की दुर्दशा सुधरेगी और यहाँ विकास होगा। यह यदा सिटी ग्रेटर नोएडा, यह यदा सिटी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक योजनाबद्ध शहर होगा, जो कि 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जो ग्रेटर नोएडा के दक्षिण में स्थित होगा। भविष्य की इस स्मार्ट सिटी में पेशेवर व्यावसायिक कार्यालय, आवासीय, रेस्तरा और रिटेल स्पेस, होटल, कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र है, जो कि आधुनिक बुनियादी ढांचा जैसे हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, राजमार्गों से सुसज्जित होगा। इसके अलावा इस शहर में विश्व स्तर की उच्च शिक्षा सुविधाएं, अनुसंधान और विकास पार्क, विश्व स्तरीय रेल शहर, विश्वविद्यालय, चिकित्सा केंद्र शामिल होंगे। पूरी परियोजना को पूरा करने में 20 साल लगेंगे। खेड़ शहर पुणे। पुणे के निकट स्थित खेड़ शहर एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जिसमें 4,200 एकड़ जमीन का विस्तार सर्वोत्तम स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ किया गया था। इस शहर में आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति को भी शामिल किया जाएगा। इस शहर में नागरिकों के लिए आवासीय, शैक्षणिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, उपयोगी सेवाएं और अन्य सुविधाएं होंगी। इसे स्मार्ट शहर बनाने के लिए अन्य सुविधाओं पर प्रस्ताव किया जा रहा है, जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था भारत में बन रहे कुछ विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटीज जो भविष्य में बनकर तैयार हो जाएंगे। भारत आज विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है और हमें आशा है कि हमारा देश भविष्य में विश्व गुरु बनकर जरूर उभरेगा। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करें, हम इस वीडियो का Part-2 भी लाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।